hello guys uh, today i'm back after a very long time so i'm sorry that i could not uh, upload the videos in a few days it was because of a few i was held up with a few things so yeah it's been busy week okay guys so now that i'm here let us start with our next uh, topic which is uh, the vocabulary on immunization these uh, this uh, specific uh, context is only to uh, deal with uh, dialogues wherein you have uh, a scenario where the uh, person is trying to get immunization uh, for their children yeah so these uh, words are most repeated and i would want you to revise them every day so that you are able to recall them very uh, easily in your uh, dialogues okay so without any more delay let's begin ओके सो द फर्स्ट वर्ड हियर इज जिक्र किया ओके okay? तो कई बार डायलॉग्स में बोला जाता है कि आपने इस टीका के बारे में जिक्र किया था तो क्या है वह ओके सो दैट इज लाइक मेंशन ओके जिक्र करना मतलब मैंशन प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन ओके okay? प्रतिरक्षण इज इम्यूनिटी और इम्यून ओके okay? प्रतिरक्षण रक्षा ओके सो इम्यूनाइजेशन इज प्रतिरक्षीकरण अभियान कैंपेन और अ ड्राइव ओके सो यू कैन से इट्स एन इम्युनाइजेशन ड्राइव सो इट विल बी प्रतिरक्षीकरण अभियान ओके और एन इम्युनाइजेशन कैंपेन ओके द नेक्स्ट वर्ड इज टीकाकरण टीका मतलब वैक्सीन टीकाकरण वैक्सीनेशन देखिए यहाँ पे दूसरा जो वर्ड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है टीका मतलब वैक्सीन ठीक है असामयिक दैट इज अनयिक अनटाइमली असामयिक मौत दैट इज अनटाइमली डेथ सो कई बार डायलॉग्स uh, में बोला जाता है कि बिकॉज देर इज नो इम्यूनाइजेशन फॉर द चिल्ड्रन दे इट इन अनटाइमली डेथ ओके तो असमय असामयिक मौत ओके जब छोटी थी वेन शी वॉज स्मॉल और वेन ही वॉज स्मॉल ओके जब छोटी छोटी थी या जब छोटा था ओके द नेक्स्ट वर्ड इज बचपन में ट इज इन चाइल्डहुड चाइल्डहुड को हम बचपन बोलते हैं तो बचपन में हमने उनको टीकाकरण किया था या टीकाकरण हुआ था समथिंग लाइक दैट ओके स्वचालित दैट इज ऑटोमैटिक स्वचालित ओके अनुस्मारक मतलब रिमाइंडर ओके कैन यू प्लीज रिमाइंड मी और दिस इज अ रिमाइंडर फॉर यू टू गेट द नेक्स्ट वैक्सीनेशन ओके सो अनुस्मारक मतलब रिमाइंडर स्वचालित अनुस्मारक मतलब ऑटो रिमाइंडर ओके तो कई बार डायलॉग्स में बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर डिपार्टमेंट विल सेंड एन ऑटो रिमाइंडर वेन एवर योर चाइल्ड इज ड्यू फॉर इम्यूनाइजेशन ओके सो so, वहां पर आप बोलेंगे uh, स्वचालित अनुस्मारक ओके समय आने पर वेन द टाइम कम्स और वेन इट इज ड्यू ओके तो ड्यू अगर आप बोलते हो तो समय आने पर या वैन टाइम कम्स ट्रांसलेशन ओके okay? समय आने पर स्वस्थ हेल्थी तंदुरुस्त इज ऑल्सो हेल्दी मेरी बेटी तंदुरुस्त है उसे टीका की कोई जरूरत नहीं है ओके सो सम्यू विदेलर सो दट इज हाउ प्रतिरक्षित इम्यूनाइजे okay? प्रतिरक्षित इम्यूनाइज प्रतिरक्षीकरण इज इम्यूनाइजेशन ओके खिलाफ अगेंस्ट बीमारी

बहुत लोग बुखार और बीमारी दोनों को कंफ्यूज कर लेते हैं तो फीवर अगर आता है तो आपको बोलना है बुखार और डिजीज या सिकनेस अगर आता है या इलनेस अगर आता है तो आपको बोलना है बीमारी ठीक है पसीने छूटेंगे दैट इज विल स्वेट ओके पसीने छूटेंगे जब उनको टीका दिया जाएगा तो उनको बुखार आएगा और पसीने भी छूटेंगे ओके okay? कमजोरी भी आ सकती है

या फिर बेहतर होना बेहतर uh, यार इफ यू वॉन्ट टू से दैट ओके इम्प्रूव देयर कंडीशन ओके तो यू यू विल से उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उस टाइम पे हम तरक्की नहीं बोलेंगे उस टाइम पे हम बोलेंगे बेटर आई मीन इम्प्रूव को हम बोलेंगे बेहतर ठीक है तरक्की इम्प्रूवमेंट ओके okay, इस कंडीशन uh, में देर हैज़ बीन एन इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडीशन सो इस स्थिति में uh,

तकनीकी उन्नति दैट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्नति एडवांसमेंट ओके अग्रिम तरक्की एडवांस इंप्रूवमेंट अग्रिम इज एडवांस तरक्की इंप्रूवमेंट ओके अग्रिम तरक्की दोबारा अगेन ओके टीका दोहराना दैट इज रिपीट द वैक्सीन दोहराना इज रिपीट यू हैव टू अंडरस्टैंड रिपीट दोहराना एंड टीका मतलब वैक्सीन सो टीका दोहराना मतलब रिपीट द वैक्सीन शिशु अवस्था में दैट इज इन्फेंसी ओके और यू कैन इवन से टॉडलर ओके शिशु अवस्था इन्फेंसी और अ टॉडलर फेज ओके okay? शिशु या ना बेबी और अ टॉडलर ओके एंड लास्ट वर्ड इज पर्याप्त दैट इज इनफ ओके So, guys, these are the common words uh, in the immunization uh, drive context. So, I have put together all these words from a single dialogue that I uh, practiced uh, for my RTE exam. And I wish that all of you also can go through this and learn. Uh, I wish that if you guys are able to um, grasp some content and find this useful, then please do like, share, subscribe to my channel, and also comment uh, down below so that I can improve the content that I am uploading here. And, like I said before, I will be uploading a few dialogues also that you can use for practice. Okay. All the best, guys, and do well.